सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग वेट इंडिया में दोस्तों अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप्स जो है विद दी लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर जो है लॉन्च हुए हैं। इससे पहले MSI के आप लोगों ने देखा होगा RTX 4060, 4080, 4090 वाले लैपटॉप्स भी लॉन्च हुए थे। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, दे आर नॉट फॉर कॉमन कंज्यूमर्स। डेफिनेटली उनकी प्राइस जो है 1.5 लाख से ऊपर है अगर आप ढंग की कन्फिग्रेशन खरीदना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं दो लैपटॉप्स कवर करने वाला हूँ दोस्तों। दोनों ही Acer Nitro 5 है, ठीक है। एज यू नो दैट, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो Acer Nitro 5 एक ऐसा लैपटॉप है दोस्तों जो कि आप लोगों को 12 महीने मिलेगा, ठीक है। हर 2 महीने में उसके कुछ ना कुछ नए वेरिएंट जो है लॉन्च होते रहते हैं। एंड इनिशियली व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं वो ट्वीट भी कर देते थे, कुछ इवेंट भी करा देते थे। बट आफ्टर ऑल दे रियलाइज्ड कि यार इतने सारे वेरिएंट्स वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, अगर हर किसी के ये लोग इतना खर्चा करेंगे देन इट वोंट वर्क आउट। तो आजकल ये लोग जो है दोस्तों साइलेंटली जो है चीजों को लॉन्च कर देते हैं, और मुझ जैसे यूट्यूबर्स को जो है लोगों को आके बताना पड़ता है कि जी हाँ भाई ये सब चीजें भी लॉन्च हुई है, जाके यहाँ पर देख लो, ठीक है। नाउ ये दो लैपटॉप को मैं कवर करूं, उससे पहले जो है मैं आप लोगों को दोस्तों एक रियल लाइफ सिनेरियो सुना देता हूं, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों मेरी तरफ से खाना फ्री है और उस खाने में मैं आप लोगों को जो है अनलिमिटेड फास्ट फूड दे रहा हूं हर रोज, ठीक है। देन क्या होगा, एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, सिर्फ फास्ट फूड मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन तीसरे दिन से क्या होने लगेगा, अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट टू फील कि भाई घर का खाना जरूरी है, ठीक है। अल्टीमेटली इंसान क्या खाता है, दाल रोटी बिरयानी ये सभी चीजें खाता है, राइट। ये सब चीजें डे टू डे कंजप्शन में इंसान मेजोरिटीली ज्यादा खाता है, फास्ट फूड कभी कभार खाता है, ठीक है। आप फास्ट फूड के भरोसे पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। द सेम थिंग इज विद द गेमिंग लैपटॉप्स। आप लोगों को बहुत सारे फैंसी फीचर्स जो है आजकल गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिलते हैं, बट एट द हार्ट व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली इज द सीपीयू जीपीयू कॉम्बिनेशन। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, जो कि इन लोगों ने प्रॉपर दिया हुआ नहीं है। इन लोगों ने बहुत सारे फैंसी फीचर्स दोस्तों यहां पे दिए हुए हैं, जैसे कि USB 4 आपको दे दिया है, मक स्विच दे दिया है, बात सही है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड जो होता है दोस्तों वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है, जिससे जो है अल्टीमेटली आपका लैपटॉप चलेगा। तो वो यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर दिया हुआ नहीं है। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि इन्होंने जो 2 लैपटॉप लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों के दोनों आप लोगों को जो है सेम देखने को मिलेंगे। आप लोग अगर डिफरेंस ढूंढना चाहेंगे दोस्तों तो भी ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन एक ही जगह बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज आप लोग देखेंगे कि प्राइस में जो है लगभग 10,000 रुपए का अंतर है, ये एक्चुअल में कैसा है। तो यहाँ पे प्रोसेसर अगर आप लोग क्लोजली नोटिस करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग पाएंगे एक जगह आप लोगों को राइजन 5 प्रोसेसर मिल जाता है, और दूसरी जगह जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे राइजन 7 प्रोसेसर देखने को मिलता है। नाउ बिफोर यू गेट कंफ्यूज्ड इन द नेमिंग स्कीम, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए प्रोसेसर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि देखिए अब हर साल नया नया प्रोसेसर विद अच्छे खासे मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। 3-4 साल में बाद ही ऐसा होता है कि अच्छे खासे इंप्रूवमेंट से जो है दोस्तों प्रोसेसर बनाए जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर को जो है हर साल कुछ नया चाहिए, ठीक है। आप अगर बोल दोगे कि भाई ये प्रोसेसर अच्छा है, पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, वो नहीं लेगा, तो कंपनीज क्या करती है दोस्तों, थोड़ा बहुत सा इंक्रीमेंट यहाँ पे जो है कर देती है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दीज प्रोसेसर। राइजन 5 7535HS प्रोसेसर है जो है, पहली बात ये HS सीरीज का है, दैट मीन्स इट्स 35W प्रोसेसर, और इसकी परफॉर्मेंस जो है दोस्तों आप लोगों को राइजन 5 6600HS जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था उसके जैसी मिल जाएगी। और जो दूसरा वाला प्रोसेसर है दोस्तों, जो कि आप लोगों को राइजन 7 7735HS देखने को मिल रहा है, अगेन इट्स 35W प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है आप लोगों को पिछले साल के जैसे राइजन 7 6800HS देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो पिछली बार से इंप्रूवमेंट आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों जो क्लॉक है वो जो है थोड़ा यहाँ पे 50 MHz तक जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को बढ़ाया हुआ देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज चेंज्ड। एक और चीज दोनों में आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगी दोस्तों, ये जो राइजन 5 वाला प्रोसेसर है उसके अंदर आप लोगों को हेक्साकोर प्रोसेसर मिलता है, वेरास जो राइजन 7 वाला प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इट्स एन ऑक्टाकोर प्रोसेसर, बोथ आर 35W TDP प्रोसेसर। नाउ इतना सब तो ठीक है, हो सकता है कि बजट जो है बजट के हिसाब से इन लोगों ने लैपटॉप को बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने दोस्तों एक चीज कर दी, दैट इज कि दे गेव RTX 3050 लैपटॉप। नाउ ठीक है, RTX 3050 बहुत सारी कंपनीज दे रही है ग्राफिक कार्ड में, लेकिन इतना हाई प्राइस पॉइंट होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है ओनली 8 GB ऑफ रैम। दे कुड एटलीस्ट हैव गिवन, एटलीस्ट क्या देना ही चाहिए, 16 GB ऑफ रैम। बाय द वे 8 GB रैम जो मिल रही है दोस्तों इट्स अ DDR5 रैम, सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स अ हाफ बेक्ड लैपटॉप। अब क्या करोगे 8 GB रैम का, अगर आप लोगों को अच्छी खासी गेमिंग यहाँ पे करनी है, 16 GB DDR5 रैम अगर ये लोग यहाँ पे देते देन समझ में आता है कि इस प्राइस पॉइंट पे जो कुछ भी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल रहा है वो चीज यहाँ पे कंप्लीट
देखने को मिल रही है। स्टोरेज की बात करें तो फ्रेंड्स वंस अगेन यहाँ पे आप लोगों को 512 जीबी की स्टैंडर्ड स्पेक देखने को मिलती है। दोनों ही चीजें यहाँ पे अपग्रेडेबल है, चाहे आप SSD ले लीजिए चाहे आप रैम ले लीजिए, दोनों ही जो है आप लोग यहाँ पे आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले को लेके, जहां पे लेके जो है मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, बिकॉज स्टिल दे आर गिविंग यू 63% sRGB स्क्रीन विच आई थिंक इज नॉट गुड, दो इट्स 144Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन। लेकिन फ्रेंड्स इंडिया में जहां पे एक ही लैपटॉप जो है आपका सारा लैपटॉप होता है, सारी दुनिया भर के काम उसी लैपटॉप में होते हैं, तो मुझे लगता है कि 2023 तक आते आते वैसी जो बकवास स्क्रीन है उनको फेस आउट इन लोगों को कर देना चाहिए, बट दे हैवंट डन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है इन लैपटॉप में दोस्तों कोई भी डिफरेंस जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। नाउ आई हैव चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज लैपटॉप्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर, एज ऑफ नाउ ये अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखें इनका राइजन 5 वाला जो वेरिएंट है दोस्तों, जो कि अराउंड 80,000 रुपीज का है, इसके प्री ऑर्डर चालू हो गए हैं। और ये ऐसे कैसे प्री ऑर्डर्स लाते हैं यार, एवरी टाइम व्हाट दे राइट इज कि ओनली 2 लेफ्ट, ओनली 1 लेफ्ट, ऐसा ही ये लोग लिख के रख देते हैं। नाउ एक चीज आप लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इन लोगों ने खुद मेंशन किया हुआ है, नोटिफाई मी व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स, दैट मींस प्राइस विल डेफिनेटली ड्रॉप इन फ्यूचर। तो अभी लेने की जो है इन लैपटॉप्स को कोई भी ज्यादा उतनी जल्दी नहीं है, आप लोग जो है डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इज की नाइट्रो 5 की भले दोस्तों ये वाली कॉन्फ़िगरेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो, लेकिन एसर की नाइट्रो सीरीज से आप लोग उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत सारे जो है कॉम्बिनेशंस में आप लोगों को लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, जहां पे RTX 4050 4060 वाले भी जो है ग्राफिक कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो डोंट परचेज दिस वन इफ यू डोंट वॉन्ट टू, इवन आई विल रिकमेंड कि डोंट गो फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बी वॉचफुल फॉर दी अपकमिंग एसर नाइट्रो 5 कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे आपको काफी अच्छी खासी वैल्यूज जो है मिल सकती है।